जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मुझे मिल गए हैं, राम जन्म भूमि से निकले हैं आशुतोष जी, अयोध्या से निकले हैं। क्या वहाँ राम मंदिर कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? शुरू हो चुका है सर, प्रगति पे है, बहुत तेजी से चल रहा है। आपने देखा है? बहुत करीब से, क्योंकि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। तो राम जन्मभूमि, भगवान राम से प्रेरणा लेने के बाद फिलहाल मैं अपने संघर्ष पे निकला हूँ, अपनी यात्रा पे निकला हूँ, जीवन यात्रा पे निकला हूँ। अच्छा। पर्यावरण बचाने की यात्रा पे निकला हूँ। तो फिलहाल तो मैंने उनके जीवन से सीखा भी है और वहाँ से आया भी। तो देखिए, इंस्पायर हुए हैं वहीं से और पूरे देश में पैदल जाना चाहते हैं। अभी लगभग सौ दिनों से अयोध्या से निकले हैं और हजारीबाग पहुँचे हैं। 2100 किलोमीटर चल चुके हैं, इनका टारगेट है 10,000 किलोमीटर चलना। और इनके साथ एक बोर्ड है, पर्यावरण बचाओ बस 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पद यात्रा अयोध्या से 21 राज्यों तक। 21 राज्यों का ट्रैवल करेंगे आशुतोष जी। आज जानते हैं इनसे कैसे ये प्रेरणा मिली, पहले क्या करते थे और आखिर पैदल चल रहे हैं तो इतना दूर कैसे पहुंच पाए। तो ये बताइए आशुतोष जी, कैसे शुरुआत की आपने पैदल चलने, कब सोचा और इसके पहले क्या करते थे? पिछले 100 दिन पहले बता सकते हैं, मैं नौकरी कर रहा था। हाँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था दिल्ली में। हाँ। मेरी 90,000 रुपए सैलरी थी। अच्छा। उसको रिजाइन करी है। तो उतना सैलरी रिजाइन करके क्यों इतना कठिन लाइफ जी रहे हैं, वनवास वाला टाइप का हो गया? कहते हैं सर, आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है उम्मीद यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये मेरी लाइन नहीं है, ये एक पर्यावरण को जिस तरीके से मानव रूपी इंसान है ना, जो उसको बर्बाद कर रहा है, उसकी एक ज्योति जलाने के लिए, उसकी ज्योति को बनाए रखने के लिए सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आज इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा। सर, 2020 के अंदर हमने लाखों लोगों को मरते हुए देखा। क्या लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन की। और भूल गए हैं लोग कि ऑक्सीजन ही थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। आप वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, दोनों का सिर्फ इतना ही कारण है कि हम दोनों लोग जीवित हैं। और इसीलिए ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए थे, तो आपने सोचा कि पेड़ लगा के लोगों की जान बचाया जाए? सर क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है हमें, आज हम जो सबसे पहली चीज है उसको बर्बाद कर रहे हैं, जो सबसे बाद वाली चीज है उसके पीछे भाग रहे हैं। पैसा, 5 मिनट जिंदा रहना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज मिल गए आप जीवित रह गए तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। सब चीज पाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, आज मिनरल वाटर पैसा से खरीद लेते हैं, हवा भी मिल जा रहा है पैसा से। आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का मारा मारी हो गया। कब तक सर, कब तक एक सवाल बनता है, कब तक खरीदेंगे पैसे से आप? जब ये रहेगा ही तो आप कैसे खरीद सकते हैं भाई? जब भविष्य, आज जाइए आप चांद के ऊपर जाइए, वहाँ ऑक्सीजन खरीद के दिखाइए पैसे से। आप जाइए वहाँ पे, क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे पानी, आज मैं जिस झारखंड में हूँ, उस झारखंड की स्थिति ये है कि यहाँ पे पानी की किल्लत है। बिल्कुल। आप यहाँ पे लोग परेशान है ना, यहाँ पे लोग पानी, आपका तो प्रॉब्लम हम लोग समझ गए। ऑक्सीजन पानी को बचाने के लिए निकल गए हैं पूरे देश में, लेकिन अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इतना कठिन जो निर्णय है वो आपने लिया और इतना दूर तक पहुँचे हैं, वो कैसे पहुँचे? अभी तक कितने पेड़ लगा दिए? 350 से ज्यादा वृक्ष हो चुका है। 350? हाँ। तो ये जहाँ जहाँ जाते हैं वो लगाते हुए? माननीय जिला अधिकारी जी को एक वृक्ष दिया जाता है। हाँ। और उस स्कूल, वहाँ के जो स्कूल, स्थानीय स्कूल होते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स करते हैं। अभी फिलहाल 10+2 जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें मैं सेमिनार्स करके आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? पीछे जो स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज 10+2 करके है यहाँ पे, जिला स्कूल जो है, जिला स्कूल जो है, उसमें मैं सेमिनार्स किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया। उनको बताया जाता है बेटा सबसे पहले कुछ बचाना था। कितना सेमिनार कर चुके हैं अभी तक? 52 से ज्यादा स्कूल हो चुके हैं मेरे, 52 से ज्यादा। 350 से ज्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ, 850 से ज्यादा गांव हो चुके हैं, 42 जिला हो चुका है, 2 स्टेट हो चुका है, 2 स्टेट के जिला अधिकारी हो चुके हैं जितने 42 जिले के, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर चुका हूँ, हर जिले के माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, वहाँ के जिला अधिकारी से मिलता हूँ। उनसे बस एक ही चीज बोलता हूँ कि सर अगर कुछ भी सबसे पहले करना है तो आपको जो यूथ अगर आपके जिले से निकलता है या आपके राज्य से निकलता है उसको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मदद करिए, क्योंकि हर बच्चा आशुतोष की जैसा अपनी नौकरी ज्वाइन करने बाद पर्यावरण बचाने को लेकर काम नहीं करेगा। और अगर वो चल छैया पे ना चाहे तो उसकी गलती क्या? क्योंकि अगर आप उसको अप्रिसिएट ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं दे रहे हैं, उसको अपना उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्यों पर्यावरण बचाने को लेकर निकले? एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। अब आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं, आप एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं? 30 किलोमीटर चलता हूँ। 30 किलोमीटर? तो सोते कहाँ है, रुकते कहाँ है, खाते कहाँ है? अब ये डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं, आपको होटल मिल गया, कोई मंदिर मिल गया, कोई ढाबा मिल गया, कोई घर मिल गया। बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग होते हैं जो बहुत प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं।
बाकी ऐसे करते हुए फिलहाल मैं अभी तक चल रहा हूँ। तो फिर अगर हम लोग 100 दिन पीछे जाएं तो परिवार में कौन लोग हैं और क्या वो चाहते थे कि आप निकले? नहीं, शुरू में तो बहुत कठिनाई आती फैमिली, जब मैंने घर पे अपनी नौकरी ज्वाइन करने बाद जब मैं पहुंचा, मैंने उनसे बोला कि मैं पदयात्रा करने जा रहा हूँ, तो इमेज बहुत गलत बन गई क्योंकि वो लगा कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसी पदयात्री का मतलब लोग समझते हैं कि संन्यास लेना। मेरी माता जी एंजाइटी सफर करती है, उनकी तबीयत खराब हो गई। मेरी यात्रा 1 तारीख को शुरू होने वाली थी, वो यात्रा 4 तारीख को शुरू हुई क्योंकि फिर मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं जा रहा हूँ, बैक टू वर्क हो जाऊंगा, दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन मैं चोरी से बता के बिना बताए 4 दिसंबर को पहुंचता हूँ अयोध्या। मेरे मित्र हैं रजनीश पांडे, मैंने उनसे बोला भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं नौकरी कर भी लिया तो मैं जिंदा रहूंगा लेकिन शायद मेरा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे करना यही है। उस दिन मेरे आंख में आंसू था इस काम को लेके। फिर मैं पहुंचता हूँ 4 दिसंबर को अयोध्या, और अयोध्या से पहुंच के फिर मैं अपनी यात्रा शुरू कर देता हूँ बिना बताए। मेरी माता जी को बाद में पता चलता है। तो ऐसा मेरा जीवन रहा, बहुत कठिन रहा। पहली रात जो थी वो बहुत कठिन थी क्योंकि पहली रात तो मुझे कोई सोने की जगह भी नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी बैग लेके यात्रा शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे हाथ में ना तिरंगा था ना ही कोई बैनर था, बस यात्रा शुरू करना था। शाम को 7 बजने के बाद, अभी तक अपने जीवन में कभी मांग के रहा नहीं था, 7 बज चुका था और ठंडी, 4 दिसंबर बहुत कोहरा पड़ने लगा था, बहुत ठंडी थी। वहां पहुंचा, मैंने कहा आंटी मुझे रहने के लिए दे दीजिए। 25 से ज्यादा लोगों के पास में गया, मेरा आधार कार्ड चेक किया गया, सभी लोगों ने रहने की जगह नहीं मिली। फिर एक आंटी जी थी वो फूल बना रही थी, उनके रोड पर घर था, मैंने उनसे बोला आंटी मुझे सोने दीजिए, 8:30 बज चुके थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसको बिछा के सो जाइएगा इसी पे तखत। बाहर ठंड में 4 दिसंबर को मैं सोया था, वो दिन याद है, वो बहुत संघर्ष का दिन था। उस दिन एक चीज समझ में आई थी, आज आगे बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कठिनाइयां हैं। अगर कैसा लग रहा है झारखंड पहुंच के यूपी से? बहुत प्यार सर। आज लोगों में एक्सेप्टेंस आ चुकी है, फैमिली एक्सेप्टेंस आ चुकी है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, लोग अप्रिसिएट करने लगे हैं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है, अब मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं क्योंकि मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूं। और कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर मेरी कोशिशें जारी हैं, आखिरी सांस तक जारी रहेंगी। देखिए पोएट्री भी करते हैं आशुतोष जी, अब कहाँ जाएंगे यहाँ से, झारखंड से कहाँ जाएंगे? झारखंड से मैं निकल जाऊंगा छत्तीसगढ़, फिर वहाँ से उड़ीसा, वहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड होते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा। क्या बात है। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना होगा आपको तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? कोई फेसबुक मीडिया? आशुतोष मोटिवेशन से मेरी आईडी है, यूट्यूब के ऊपर भी है और इंस्टाग्राम पे भी, आशुतोष मोटिवेशन से। और उसका कारण सिर्फ मोटिवेशन इतना ही लगाने का कि आप एटलीस्ट मुझसे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके। कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मोटिवेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि मेरी आइडेंटिटी एक मोटिवेशन के तौर पर रहे, लोग उसको देखे, यूथ देखे तो उनको इंस्पायर, थोड़ा सा इंस्पायर हो और शायद पर्यावरण बचाने को लेकर निकल सके। तो आप उसमें अपना वीडियो भी डालते हैं? हाँ वीडियो डालता हूँ, कोशिश करता हूँ जो रियलिस्टिक चीजें हैं उनको दिखाया जाए, जो बहुत अच्छे कंटेंट है उनको लोगों तक पहुँचाया जाए जिसकी वजह से उनको कुछ हेल्प हो सके। तो देखिए आशुतोष जी हैं, अब पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं, अयोध्या से निकले हैं, राम जन्मभूमि से, बता रहे थे कि वहाँ काम भी जारी है और अब 10,000 किलोमीटर चलेंगे और जहाँ भी जा रहे हैं अपने हाथ में एक पेड़ लेके जा रहे हैं, वो पेड़ भी लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बचाइए क्योंकि लॉकडाउन में बहुत कुछ झेला इन्होंने और वहाँ से प्रेरित होके निकल गए हैं देश को बचाने के लिए। मेरे पीछे एक आप देखा, इनको जो दिखाइएगा क्या है, मेरे साथी है, पीपल, आप ऊपर देखिए। अच्छा ये पीपल वाला, ये गणेश जी। अच्छा दिखाइए, यही मेरे संघर्ष के, यही मेरे संघर्ष के गवाह बनने वाले हैं। हाँ। और इनको पूरे भारतवर्ष में घुमाऊंगा, इनका नाम इसको किसी को दे नहीं रहे, नहीं किसी को देता नहीं हूँ, ये इनका नाम गणेश जी है। हाँ। और आप सभी इनको जरूर पहचानिएगा क्योंकि यही मेरे संघर्ष के गवाह बनेंगे। जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा तो इनकी ये कितने बड़े हो चुके होंगे ये सब आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा। यही मेरे संघर्ष के गवाह सर और यही मेरे साथी हैं। चलिए आप बढ़ते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। कोई लोग मिलेंगे दूसरे स्टेट में तो हम बता देंगे कि आप निकले हैं, अगर शायद कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। थैंक यू, ठीक है जाइए अपनी जर्नी में, आप आगे बढ़िए, हम लोग थोड़ा कैमरा में कैप्चर करना चाहते हैं आपको जाते हुए। तो यही देखिए आशुतोष जी हैं, अब निकल गए हैं हजारीबाग से, सर्किट हाउस के पास हमें मिल गए, अब जा रहे हैं पूरे इंडिया में इसी तरह से पैदल निकल गए हैं, एक बैग लेके, भारत का झंडा और पर्यावरण बचाओ 10,000 किलोमीटर चलने का एक नारा लेके। पहले जॉब करते थे, अच्छा जॉब करते थे, 90,000 कमाते थे और यही है इनकी कहानी। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था एक रोविंग सनोज था, वो भी पैदल निकल गया था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मोटिवेट हो रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। और पैदल चलना कहीं से भी मतलब इतना आसान नहीं है, देखने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मोटिवेशन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।